हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6 का 9th क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होता है, मतलब एक्स और वाई जो होते हैं एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं और ये दोनों सेपरेटली दे रखे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा दे रखा है, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा दे रखा है। तो हम सबसे पहले dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a sec थीटा का, देखो अब की बार हमने x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो थीटा क्या, तो x का dx अपॉन d थीटा हो जाएगा और sec थीटा का क्या हो जाएगा, a sec थीटा इंटू में tan थीटा। अब dy अपॉन d थीटा निकालेंगे तो b एज इट इज आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, डिवाइड कर देंगे dy अपॉन d थीटा इंटू में d थीटा अपॉन में dx कर देंगे, ऊपर आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, a sec थीटा इंटू में tan थीटा। तो एक ये स्क्वायर है और नीचे एक है, तो एक ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, b sec थीटा अपॉन में a tan थीटा आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, sec थीटा का क्या हो जाएगा, वन अपॉन में cos थीटा, और sin थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा से वन अपॉन sin थीटा बच जाएगा, तो b अपॉन a वन अपॉन sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosecant थीटा। हमारा 10th क्वेश्चन है, देखो x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू में sin थीटा, और y कितना दे रखा है हमें, a sin थीटा माइनस में थीटा cos थीटा दे रखा है। तो हम पहले x का करेंगे, देखो थीटा की रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन में d थीटा आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा एज इट इज। अब यहां पर करेंगे, देखो cos थीटा का क्या होता है हमारा, माइनस का sin थीटा। अब ये हमारे दो फंक्शन हो चुके हैं, ये u इंटू वी से करेंगे हम, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतार दिया मैंने, थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बीच में किसका साइन आता है, प्लस का। अब थीटा का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और साइन थीटा को एज इट इज उतार देंगे, देखो वन इंटू साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा हमारा, ए थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब हमारा वाई कितना दे रखा है, देखो ए साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे, ए एज इट इज साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में, अब देखो इसका फिर से यू इंटू वी से करेंगे, थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा हो गया हमारा, ठीक है, और प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और कोस थीटा यानी सेकंड फंक्शन को एज इट इज, ये माइनस में थे इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया। अब ये देखो ए एज इट इज कॉस थीटा, अब ये माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के, यानी कि ए प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब ये माइनस का कॉस थीटा, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए थीटा इंटू में साइन थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना है, तो डी वाई पॉइंट डी थीटा इंटू में डी थीटा पॉइंट डी एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स इतना आ गया हमारा, ए थीटा साइन थीटा ये रहा, और अपॉन में ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा से थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, टेन थीटा हो जाएगा। अब हमारा 11th क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये दे रखा है आपको, ए साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी दे रखा है, और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, देखो पावर दे रखी है यहां पर भी, एक्स में भी ए की पावर साइन इनवर्स टी, और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और हमको शो क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स से इक्वल है हमारा, माइनस का वाई बाय एक्स के इक्वल है। तो हम एक एक लेके चलते हैं, सबसे पहले हमने ये लेके चले, तो देखो डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, तो पहले हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे, तो पावर का आ जाएगा, तो वन बाई टू नीचे आ गया, और ए साइन इनवर्स टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का वन बाई टू, एक माइनस कर देंगे, वन बाई टू में से एक माइनस करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू, पावर का हो गया। अब हम इसका करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको बेसिक में ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए। अब ये a की पावर x ही मान के चलो, ये x हो गया हमारा, साइन इनवर्स t हो गया, तो a की पावर देखो, a की पावर x एज इट इज यानी a की पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा इंटू में लॉग a, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर x होता है तो x का तो 1 हो जाता है, लेकिन अब हमारा क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स t, तो यहाँ पे साइन इनवर्स t का करेंगे, साइन इनवर्स t का क्या होता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर,
एक बार दोबारा देख लो। देखो सबसे पहले मैंने पावर का किया, ये पावर 1/2 थी तो पावर 1/2 नीचे आ गई, इसकी पावर में से एक माइनस कर दी, 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ गया। अब ये जो है ए की पावर में है, ए की पावर एक्स मान के चलो, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, तो एक्स कितना है हमारा, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए हो जाएगा। अब हम साइन इनवर्स टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1/ में अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स हमें क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो 1/√1 माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, एक्स कितना दे रखा है हमें, अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी दे रखा है, तो इसको ये हमारा क्या हो गया, एक्स की पावर माइनस के में 1/2 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/ में एक्स, देखो या 1/ करेंगे तो ये भी अपॉन में आ जाएगा हमारा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/2 तो एज इट इज है ही, तो 1/2 और इसकी जगह लिख दिया एक्स। अब ये ए साइन इनवर्स टी हो गया, इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक बार मैंने ऐसे ही लिख दिया, ए साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए और इंटू में 1/ में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रहने देना क्योंकि यहाँ पे टी का करें तो 1 माइनस में टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2x और इसकी जगह अब हमने क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया इंटू में लॉग ए और मल्टीप्लाई में 1/ में क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो ये देखो एक एक्स स्क्वायर था यहाँ पर एक्स, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, एक्स लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर, ये हमारा बच गया। अब हम वाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी वाई अपॉन डी टी निकाल देते हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर, पहले पावर का करेंगे, 1/2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी की होल पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब ये ए की पावर एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी, एक्स, यानी ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू में लॉग ए हो जाएगा। अब हम कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो कॉस इनवर्स टी का क्या होता है, माइनस में 1/ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स की जगह क्या दे रखा है हमें, टी दे रखा है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर रख देंगे। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1/ में वाई, ये वाला माइनस है ये मैंने पहले बाहर आगे लगा दिया, इसकी जगह तो क्या रख देंगे, अपॉन में है ये माइनस का 1/2 है, अपॉन में जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है y, तो 1/2y हो जाएगा, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, y का स्क्वायर रख दिया इंटू में लॉग ए और अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर रख दिया। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई एक कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/ में ऊपर क्या बचेगा, माइनस का वाई लॉग ए और नीचे बचेगा 2 अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर बच जाएगा। अब हम कर देंगे देखो डी वाई अपॉन डी टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स कर देंगे, तो ये वाई वाली टर्म ऊपर, तो वाई लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे x वाली यानी x log a जो हमने ऊपर निकाला x log a 2 अंडर रूट में 1 माइनस में टी स्क्वायर। अब देखो 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और ये 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, log a से ये log a कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का y अपॉन x, यानी कि dy अपॉन dx कितना आ गया हमारा, माइनस का y अपॉन में x।